हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले 5 लेक्चर में हम लोगों ने हैलो एल्केन हैलो एरीन चैप्टर का इंटर कन्वर्जन देखा कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कैसे आपस में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको बहुत आसानी से हर एक तरह से कंपाउंड में कन्वर्जन करवाया। मैंने आपसे कहा भी था कि ये कन्वर्जन सिर्फ आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं मैं वही करवा रहा हूँ, और मोस्टली मैं वो करवा रहा हूँ जो आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में है, और आप लोगों के लिए ताकि आसान हो जाए कन्वर्जन। आप जानते हैं कि 8-10 नंबर का इंटर कन्वर्जन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन भी उसी में हो जाती है। आपको प्रैक्टिस होगी तो आप कोई भी कन्वर्जन होगा आप कर लेंगे। दूसरी चीज़, खास बात यह है कि हम लोग जब कोई भी इंटर कन्वर्जन, हमको एक बार अगर हम लोग हैलो एल्केन हैलो एरीन का कर लेंगे तो हमारे पास एल्कोहल के लिए आसानी हो जाती है, एमीन के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड हैलो एल्केन से जो कंपाउंड बन रहे हैं वही तो हम लोग बनाते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा होगा तो आप लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वहाँ से प्रैक्टिस होगी, वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा। तो आपके लिए एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और फर्दर जो भी आपका होगा चैप्टर, वहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग एल्कोहल चैप्टर का इंटर कन्वर्जन करेंगे। मैं बाद में आपको, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का लेके आऊंगा, तो मैंने आपको पहली बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा यानी दूसरी वाली बुक का, उसकी वीडियो मैं आपको फ्राइडे को मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर मैं एक वीडियो आपको आपके लिए लेके आऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन होगी। 10 तारीख से पहले पहले मैं आपके लिए हर एक वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप उसको नोट करके आप उसको पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशियंट होगा। देन आप सबसे पहले हम लोग चलें आज कन्वर्जन करते हैं, और हमारे पास पहला कन्वर्जन है मेथेनॉल टू प्रोपेनॉल। क्या है वन नंबर हमारे पास, मेथेनॉल टू प्रोपेनॉल। मेथेनॉल से प्रोपेनॉल कैसे बनेगा, मैं ये आपको करवा चुका हूं। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैं बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, प्राइमरी से टर्शरी, एक कार्बन से 3 कार्बन, एक कार्बन से 2 कार्बन, इस तरीके का मैंने पढ़ाया होगा, तो मैंने आपको वहां पर जरूर बताया था। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो हम लोग आज इसको देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके से मेथेनॉल से प्रोपेनॉल बनता है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो मेथेनॉल से प्रोपेनॉल, क्या आपको एक कार्बन से 2 कार्बन जाना है? नहीं ना, आपको एक कार्बन से 3 कार्बन। मेथेनॉल होता है एक कार्बन का एल्कोहल, प्रोपेनॉल होता है 3 कार्बन का एल्कोहल। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको एक कार्बन से 2 कार्बन का जाना हो तो आपके पास रास्ते कई हैं, लेकिन अगर आपके पास एक कार्बन से 3 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, तो आप फेवर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, आप उससे इस्तेमाल करेंगे। तो देखो मेथेनॉल का अगर हम लोग प्रोपेनॉल को तक बनाना है, सबसे पहले मेथेनॉल का स्ट्रक्चर लिखें OH, इसका ऑक्सीडेशन करवा दें। क्या करवा दें? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवा दें, चले K2Cr2O7 से करवा दें, तो क्या होगा हमारे पास, ये बन जाएगा एल्डिहाइड में HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। यानी अगर आपसे कहे कि मेथेनॉल से फॉर्मल्डिहाइड बनाइए तो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा। अब इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एक कार्बन है, आप 3 कार्बन प्रीफर करिए, CH3 CH2 MgCl। अब देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, क्योंकि मेटल है, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव आता है। जब डबल बॉन्ड वाला है तो ये इसको इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा? एच, यहाँ पे कार्बन, और इसके इस वाले एच को मैं नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं हमारे पास, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? CH2, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे O नेगेटिव, या O नेगेटिव क्या करें, O पे नेगेटिव चार्ज आया है ना, तो Mg पे पॉजिटिव है, यहाँ पे लिख दें MgCl। अब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें वाटर मॉलिक्यूल के साथ, देखो क्या बनेगा, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव कहाँ आएगा? इसके पास आएगा, और क्या बना लेगा? CH3 CH2 CH2 OH। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल। बन गया, ये क्वेश्चन अच्छा है, उसके बाद समझ में आया। अगला क्वेश्चन करें हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेंजाइल एल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, दूसरा बेंजाइल एल्कोहल टू बेंजोइक एसिड।
यानी बेंजाइल एल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग लगाओ उसके ऊपर CH2OH। अक्सर लड़के क्या करते हैं ना, गलती करते हैं, यहीं पे OH लगा देते हैं। बेटा यहाँ पे अगर इस कार्बन से OH लगाओगे तो फिनाल बन जाएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे CH2OH इसका आप ऑक्सीडेशन करवा दें। देखो एल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाने पर, या कंट्रोल जिसको बोलते हैं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करवाने पर बनता है एल्डिहाइड या कीटोन। अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे ये OH है, ये कन्वर्ट हो जाएगा C OH में, बस यहां पे C OH, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया, इसका नाम क्या है, बेंजाइल एल्कोहल हो गया। क्लियर हो गया, इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो गया है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया सी डबल बॉन्ड OH में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेंजीन इनटू फिनॉल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेंजीन इनटू फिनॉल, देखो बेंजीन इनटू फिनॉल तो कम आया है लेकिन फिनॉल इनटू बेंजीन बहुत आया है, यानी इसका अपोजिट कर दो। मैं कह रहा हूं कि बेंजीन से फिनाल कैसे बनेगा, अगर इसी क्वेश्चन को अपोजिट कर दो कि फिनाल से बेंजीन कैसे बनेगा तो वो क्वेश्चन ज्यादा पूछा, मैं अभी कर दूंगा, पहले बेंजीन बनाओ, बन गया। अब इसकी रिएक्शन करवा दो Cl2 से, यहां पे लगा दो FeCl3। अब क्या होगा आप जानते हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन होता है, यहां से यह हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, Cl लग जाएगा, मैंने आपको सिखाया था, यहां पर लग जाएगा Cl, हो गया। अब इसकी आप रिएक्शन करवा दो KOH से, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, और ये हमारे पास आएगा इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, OH, इसका नाम हो गया फिनॉल। अब मैंने कहा कि फिनॉल से चौथा क्वेश्चन ले लीजिए आप, यहीं पे चौथा क्वेश्चन फिनॉल टू बेंजीन, इस पे टिक लगा लीजिए, फिनॉल टू बेंजीन बहुत पूछा गया है, फिनॉल से बेंजीन, यानी ये फिनॉल है इससे बेंजीन बनाना है, कुछ नहीं करो बेटा, यहां पे लगा दो जिंक डस्ट, जिंक की धूल, तो क्या बनेगा, यहां से जो जिंक होगा ना, ये जिंक यहां से ऑक्सीजन निकाल लेगा, क्या निकाल लेगा, ऑक्सीजन, यानी -ZnO के फॉर्म में निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, वापस बेंजीन बनेगा, यानी हम लोग यहां पे हो गया, या यहां पे आप ZnO ना लिख के यहां पे लिख दीजिए +ZnO, बन गया, ये आपके पास है। यानी कि आप देखो बेंजीन से आपने स्टार्ट किया था, फिनॉल से आपने उसको बनाया, सॉरी यहां पे क्या है, हाँ यहां पे बेंजीन है, ये बेंजीन से हमने स्टार्ट किया, यहां पे H रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमने बेंजीन से स्टार्ट, इसका नाम बेंजीन है, इसका नाम क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया और फिनॉल से बेंजीन वापस बना दिया। क्लियर है ना, देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोग ऑर्गेनिक में थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे मैं आपको, मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको पेपर से बहुत पहले, आपका पेपर 16 से है, मैं आपको 14, 12, 13 तक मैं आपको 90% ऑर्गेनिक कवर करवा दूंगा, फिर आपका जो बीच में गैप होगा पेपर से 1-2 दिन पहले, उसमें मैं दोबारा रिविजन करवा दूंगा ऑर्गेनिक का, नेमिंग रिएक्शन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन करें शाम में 6 बजे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलो अगला कन्वर्जन देखते हैं, हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन इनटू सैलिसिलिक एसिड। चलो पांचवा, क्लोरोबेंजीन इनटू सैलिसिलिक एसिड,
क्लोरोबेंजीन से सैलिसिलिक एसिड, बहुत फेमस कंपाउंड है। क्लोरोबेंजीन से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे? देखो, पहले क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कर लो फिनाल में। किसमें बेटा? ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले फिनाल में। तो यहां से क्या होगा, अभी मैंने कन्वर्ट किया था, तो यहां से क्या बनेगा? फिनाल बन गया। अब सैलिसिलिक एसिड, सॉरी फिनाल से, ये फिनाल हमारे पास है। अब फिनाल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के बहुत रास्ते हैं। फिनाल से सैलिसिलिक एसिड बनाना बहुत, एक कोलबे है, आप जानते हैं कोलबे रिएक्शन, ठीक है ना? आप जानते हैं फिनाल से सैलिसिलिक एसिड नहीं है, पहले हम लोग बनाए सैलिसिल डिहाइड, उसके बाद सैलिसिल डिहाइड। सैलिसिलडिहाइड बनाए, सैलिसिलिक एसिड अगला बनाते हैं, ठीक है ना? सैलिसिलिक एसिड की जान गए ना, मैंने बताया कि आपको कौन सी रिएक्शन करवानी है, आपको करवानी है कोलबे। अब यहां पे आप देखिए क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाइए, प्लस आप KOH। बता दो बेटा ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, कि व्हेन फिनाल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH देन इट गिव सैलिसिलडिहाइड। क्या कोई नाम जानता है तो बता दो बेटा कौन सा होगा, बता सकते हो? इसका नाम होगा रीमर टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। तो ये आपके पास यहां से लेके यहां तक रीमर टीमन रिएक्शन है, क्लियर है? छठा वाला देखो, फिनाल इंटू पिक्रिक एसिड, बहुत फेमस कंपाउंड, इस पर टिक लगा लेना, फिनाल टू पिक्रिक एसिड। फिनाल से पिक्रिक एसिड कैसे बनेगा, बहुत पूछा हुआ है, मतलब जिसकी लिमिट नहीं है। फिनाल चैप्टर से ये वाली रिएक्शन तो बहुत पूछा है, चाहे वो इस तरीके से पूछे कि व्हेन फिनाल रिएक्ट विद कंसंट्रेट SNO3, चाहे ये पूछे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, चाहे इस तरीके से पूछे, चाहे ये पूछे कि फिनाल से पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करो। तो यहां पर देखो हमारे पास ये फिनाल है, यहां पर OH, इसकी रिएक्शन करवा दो कंसंट्रेट SNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, चाहे आप इससे करवा दीजिए। तो क्या होगा, तीन पोजीशन पे, दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, बस NO2, यहां भी NO2, यहां भी। इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड, ये बहुत पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा है, व्हेन फिनाल रिएक्ट विद कंसंट्रेट SNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इस तरीके से भी पूछा हुआ है, ठीक है? अगला इंटरकन्वर्जन देखें, फिनाल टू 4-bromophenol, फिनाल टू 4-bromophenol। ये वाला तो नहीं पूछा, लेकिन ये जरूर पूछा है कि फिनाल 2-2,4,6 ब्रोमो ट्राई ब्रोमोफिनाल, ये वाला पूछा हुआ है, अभी करवा देता हूं। पहले इसको देख लो, OH प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो यहां पे OH और यहां पे Br, तो इसका ये हो गया 4-bromophenol। अगला वाला इसका बनेगा, दो बॉर्डर बनते हैं इसके, आर्थो पे भी लगेगा, यहां पे OH यहां पे भी Br, इसका होगा 2-bromo। चाहे आपसे 2-bromo पूछे चाहे 4-bromo पूछे, दोनों रिएक्शन यही है ना? अब इसी क्वेश्चन को मान लो कि, अच्छा पहले इसको नोट कर लो फिर मैं करवाता हूं, पहले इसको नोट कर लो बेटा। अगला देखो हमारे पास है, मैं ये लिख देता हूं फिनाल,
आठ नंबर होगा, फिनॉल टू, टू कामा फोर कामा सिक्स ट्राइब्रोमो फिनॉल। फिनॉल से क्या बनेगा, टू कामा फोर कामा सिक्स ट्राइब्रोमो फिनॉल। तो फिनॉल हमारे पास है, यहां पे OH। आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से, या आपसे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा करके पूछा हुआ है कि जब फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है, ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनेगा। तो ब्रोमीन यहां पे आप H2O लिख दीजिए, चाहे आप यहां पे ही वाटर लिख दीजिए, क्लियर है। तो यहां पे Br2 कर दीजिए, तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर OH, यहां पर Br, ये हमारे पास, इसका नाम ये होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। नौ नंबर देखिए, नौ नंबर हमारे पास है फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे, मैंने अभी बताया था कोल्बे रिएक्शन इसमें होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, कोल्बे, बहुत पूछी गई है। देखो दो नेमिंग रिएक्शन आज इस्तेमाल हुई है, एक तो रिवर टीमन और एक कोल्बे रिएक्शन, और दोनों फिनॉल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा हर हाल में, ठीक है ना। चले देखें इसकी रिएक्शन, देखो हमारे पास ये फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन आप करवाइए CO2 के साथ और NaOH के साथ, तो यह क्या बनेगा। देखो यहां पे आ जाएगा OH और यहां पे C डबल बॉन्ड ONA। अब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवा दो, क्या करवा दो इसकी हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बस यहां से O निकल NA निकल जाएगा, OH प्लस C डबल। अगर यहां पे CHO आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। अभी इससे पहले मैंने कहा था ट्रिमर टीमन रिएक्शन, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड जाएगा तो कहलाएगी रिमर टीमन, फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड जाएगी तो बनाएगी रिमर टीमन, और फिनॉल से अगर हम लोग सैलिसिलिक एसिड जाते हैं तो इसको बोलते हैं रिमर टीमन। तो ये हो गया हमारे पास सैलिसिलिक एसिड हो गया। अब उसके बाद देखिए हमारे पास अगला कंपाउंड क्या है, अगली कन्वर्जन हमारे पास है फिनॉल टू एसिटोफिनोन। फिनॉल से क्या बनाना है, एसिटोफिनोन बनाना है। दस नंबर, फिनॉल टू एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। पहले तो एसिटोफिनोन क्या होता है, एसिटोफिनोन देखो ये बेंजीन रिंग, यहां पे C डबल बॉन्ड OCH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। अगर यहां पे इस CH3 को हटा के तुम अगेन एक बेंजीन लगा दो तो इसको बोलेंगे बेंजोफिनोन, अगर CH3 होगा तो उसको बोलेंगे एसिटोफिनोन। चले देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो पहले आप फिनॉल बनाओ, ये हमारे पास OH और यहां पे जिंक से रिएक्शन क्या बनेगा, पूछा बहुत गया है, ये बन जाएगा ये -ZnO हो गया। इसकी रिएक्शन करवा दो CH3 C डबल बॉन्ड OCl से, यानी एसिटिल क्लोराइड से, तो यहां पे नेगेटिव और यहां से एक H निकल जाएगा, H निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, यहां पे नेगेटिव होगा, बस हो गया हमारे पास रिएक्शन, बस C डबल बॉन्ड OCH3। चाहे इस पोजिशन पर लगाओ चाहे इस पोजिशन पर, कोई मतलब तो है नहीं, इसका नाम होगा एसिटोफिनोन। ये सबसे हार्ड टाइप के क्वेश्चन में आता है एसिटोफिनोन का। तो आज के लिए हम लोग इतना देख लीजिए। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होगा मैं आपको करवा दूंगा। देखिए इस वक्त बहुत ज्यादा हंसी मजाक का वक्त नहीं, आप जानते ही हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बार बार थोड़ा हंसा के इंजॉय करके पढ़ाऊं, क्योंकि आप बात मुद्दे की होगी, बात आप पढ़ाई की है,
क्योंकि आप जितना ज़्यादा अब पढ़ेंगे वही आपके काम आना है। आपने साल भर क्या किया है वो मैटर नहीं करता, मैटर अब करता है कि आप कितना पढ़ते हैं, अब आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हैं, कितना ज़्यादा जल्दी से आप चैप्टर को कवर करके उसका रिविज़न करने का टाइम बचाते हैं, अब कितना वक्त आप मोबाइल से दूर रह के आप पढ़ने में फोकस करेंगे, अब ये डिपेंड करेगा। अब यही वक्त आपका गोल्डन टाइम है, अगर जिसने इस टाइम को लॉस कर दिया उसका बेटा कुछ नहीं हो सकता। पढ़ने को क्या है कि आप पास तो हो जाएंगे, पास हो के क्या करेंगे, हजारों लाखों लोग बेटा पास होते हैं, लाखों लोग पास होते हैं, क्या सबका थोड़ी होता है। तुम पास होगे, तुम कुछ करोगे तब तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे घर में तुम्हारे लोग तुमको आगे एक आइडियल, जो छोटे बच्चे होंगे तुम्हारे घर में तुमको अपना आइडियल तब मानेंगे जब तुम मेहनत करके कुछ बनोगे, बन के कुछ दिखाओगे। तो इसीलिए अब आपको पढ़ने का वक्त है, अब हंसी मजाक का वक्त छोड़ दीजिए, अब मोबाइल में जो वक्त गुजर गया उसको गुजर गया, आपने जिस कामों में मूवी देखने में, आपने घूमने में, दोस्तों के साथ शॉपिंग करने में जो भी वक्त गुजारा वो गुजर गया, वो गुजरा हुआ पल था उसको छोड़ दो। अब आने वाले वक्त के लिए मेहनत करो, आप पढ़ो। आपका 16 तारीख से पेपर स्टार्ट है, कुछ लोगों का 12 से स्टार्ट है, कुछ लोगों का 13 से स्टार्ट है, आप उस तरीके से मेहनत करें बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।